अगर मैं आपके करियर के बारे में आपसे पूछूं कि कैसा रहा ये करियर, ये सफर कैसा रहा, तो किन शब्दों में आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? वेरी टफ यार, बहुत टफ। ऊपर वाले की दुआ से जब मैंने शुरुआत की थी, एक्चुअली मैं उससे पहले तो अमेरिका में काम कर रहा था। मैं शर्ट्स बनाता था, कपड़े बनाता था। साउथ अमेरिका में हम लोग मैन्युफैक्चर करते थे और नॉर्थ अमेरिका में इंपोर्ट करते थे। और मैं मेरे पिताजी के लिए भी नहीं, जो कि मेरा ये फैमिली बिजनेस है, मैं किसी और के लिए काम करता था ताकि वो बॉस मुझे डांट पाए और मैं अच्छी तरह काम सीख सकूं। तो वो सब छोड़ छाड़ के मैं एक्चुअली इंडिया एक्टर बनने आया। बहुत 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 ज्यादा स्ट्रगल की, 1 साल 1.5 साल से ज्यादा स्ट्रगल की। जो कि देखिए, आपने जैसे कहा कि यो मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ, वो मेरे पिताजी की बदौलत है। तो मेरे पिताजी ने जो भी मुझे दिया है अब तक, उसकी वजह से मेरा स्ट्रगल थोड़ा सा आसान रहा, लेकिन बहुत समय लगा फॉर मी टू ब्रेक थ्रू। बहुत ऑडिशंस दिए, बहुत सीरियल के, बहुत फिल्म्स के, बहुत एड्स के। उसके 1.5 साल बाद जाके मेरा नंबर प्यार वेर एंड ऑल दैट एमटीवी के शो में लगा, जो 2007 के शायद दिसंबर में रिलीज हुआ था। और उसके 2 महीने बाद ही बिल्कुल मुझे अनुराग बासु ने देख लिया था सेट पे शूटिंग करते हुए, और उन्होंने मुझे बुलाया लव स्टोरी के लिए, जो कि उनका फर्स्ट होम प्रोडक्शन था और सोनी सब पर रिलीज हो रहा था। तो वो मेरा फर्स्ट एक्चुअल फिक्शन शो था, और मेरे घर में आज तक उसी का एक पोस्टर लगा हुआ है और कोई फोटोग्राफ नहीं है मेरे एक्टर होने का मेरे घर में। तो वहां से फिर उसके बाद 2 साल का ब्रेक हुआ। तो ये ब्रेक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ये बहुत कठिन समय था। उसके बाद लागी तुझसे लगन मेरे लाइफ में आई। लागी तुझसे लगन के बाद मुझे 4 साल घर पे बैठना पड़ा, स्ट्रगल पीरियड था, बहुत ही कठिन, बहुत ही कठिन। फिर इश्क का रंग सफेद आया फिर से कलर्स का। उसके बाद भी मैंने 2 साल लिए फिर से कुमकुम भाग्य ज्वाइन करने के लिए। तो मेरा जो ये करियर रहा है बहुत ही फैला हुआ रहा है, लेकिन मैंने पेशेंस नहीं खोए। यू सी, आई नेवर लॉस्ट पेशेंस बिकॉज आई एम, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मुझे पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। एक्टिंग के दिशा में जब तक हम बात कर रहे हैं, अभी सिंगर के दिशा में तो मुझे एक्सपीरियंस अभी करना है। अभी तक तो मैं बहुत ही कच्चा हूं और मैं बहुत ही नर्वस हूं और मैं बहुत ही अनश्योर हूं, लेकिन ये पब्लिक रिस्पांस जो आ रहा है उससे मेरी हिम्मत बढ़ रही है। सो अगेन थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। आपका भी थैंक यू जो आप लोग टाइम लेके हमारा इंटरव्यू लेते ताकि हम लोगों तक और भी पहुंच सके। रियली हार्टफेल्ट थैंक यू टू यू पीपल। देखिए, आप जैसे बड़े एक्टर्स का इंटरव्यू करना हमारा सौभाग्य है। आप हमें अपना प्यार दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। मैं कह रहा था कि जो सोच कर आए थे आप 15-17 साल पहले, वो आपको मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक आई गॉट 5% ऑफ इट। मुझे लगता है मैंने अब तक सिर्फ 5% अचीव किया है। मुझे अब तक 95% अचीव करना है लाइफ में। अभी तक तो कुछ भी अचीव नहीं किया मैंने लाइफ में। जैसे आपने कहा ये महंगी जगह, ये तो मेरे फादर की है, तो मेरे पिताजी की, मुझे खुद ही बनानी है। अभी सेटल होना है, वाइफ चाहिए, बच्चे चाहिए।